नमस्कार सत्यराम, मेरी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको आम के लड्डू बताने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पर हमने ये 2 आम का मैंगो पल्प लिया है, और यहाँ पर हमने ये मिल्क पाउडर लिया है। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ले सकते हो। चीनी हमने ली है, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो। दो दो टेबल स्पून घी के हमने लिए हैं, और ये नारियल का बुरादा, किसा हुआ नारियल हमने लिया है। ये इजी वे में मार्केट में मिल जाता है, आप इसको घर पे भी घिसकर बना सकते हो। ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, यहाँ पर आप कोई से भी ले सकते हो। हमने बादाम, किशमिश, काजू और पिस्ता लिया है। और आप यहाँ पर सिल्वर वर्क और आप एसेंस का उपयोग कर सकते हो, वनीला एसेंस का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आम के लड्डू। आम के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून घी के डालेंगे। ये घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम, ये देखिए घी मेल्ट होने लग गया है। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर अब हम मैंगो पल्प डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रहने देंगे। अब इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। आपके पास अगर मैंगो पल्प ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लड्डू बनाने हैं, तो इनकी सबकी मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए मैंगो पल्प के साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी लिए। आप और मीठा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा चीनी का आप उपयोग कर सकते हो। अब हमें ये तब तक हिलाना है जब तक कि ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देखिए चीनी अच्छी हमारी मेल्ट हो चुकी है। इसमें हम हमारा जो नारियल का बुरादा है वो हम डाल देंगे। आप इसको कच्चा भी डाल सकते हो और थोड़ा सा आप इसको सेक के भी डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हिला देंगे हम। ये लड्डू बच्चों और बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और जिनके दांत ना हो वो भी आसानी से खा सकते हैं। अब हम इसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये काजू मैंने डाल दिए, थोड़ी सी पिस्ता मैंने डाल दी है, किशमिश मैंने ले ली है और बादाम मैंने ले लिए। इसको भी हम अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहो तो इसमें कंडेंस मिल्क आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से हम इस तरीके से पूरा हिला देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है नारियल की। गैस को थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ मैं। आप इस समय यहाँ पर एसेंस डाल सकते हो, इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, बट मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इलायची पाउडर खाना पसंद नहीं करते। ये देखिए इस पेस्ट ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। देखिए आप, ये हमारा हो चुका है। और अब हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम हमारे लड्डू बनाएंगे। ये देखिए अगर आपको ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा डालने हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो गैस को मैं बंद कर रही हूँ और इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ये देखिए गाइस,
ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ हमने एक प्लेट ले लिए। लड्डू बनाने से पहले हम हमारे हाथों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, छोटा बड़ा आप किसी भी साइज का आप लड्डू बना सकते हो। इस तरीके से करते हुए देखिए, या ऐसे कर सकते हो आप ऐसे। ये देखिए, ये हमारा लड्डू बनके रेडी है। कितना अच्छा कलर इस लड्डू का आया है। अब वन बाय वन हम ऐसे बनाते जाएंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे। आप चाहो तो इससे छोटा भी आप बना सकते हो। इस तरीके से ये देखिए लड्डू हमारा बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू को बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये आम के लड्डू हमारे बनके तैयार हैं। आप इसको सिल्वर वर्क से या काजू से, बादाम से, किशमिश से, आप किसी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। सेफ साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और ये देखिए इस तरीके से आप, ये नारियल का बूरा है, इसमें इस तरीके से इसकी कोडिंग भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से लपेट सकते हो इसको। ये देखिए, बट मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ सारे लड्डू, आप कर सकते हो चाहो तो। और यहाँ पर मैं पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। गाइस ये बहुत ही फटाफट बनते हैं और बहुत यम्मी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है वो आराम से इसको खाएंगे। ये देखिए, जब भी आपका मन करे आप फटाफट से बना सकते हो। ये देखिए, ये सभी पे इस तरीके से मैं लगा के गार्निश कर दूंगी। ये हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। ये देखिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस। और बेल आइकन का बटन दबाइएगा नोटिफिकेशन का, ताकि सबसे पहले बनने वाला लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू।